राष्ट्रीयता और देवनागरी। विचार अभिव्यक्ति का मौखिक माध्यम भाषा है तो लिखित रूप को लिपि की संज्ञा दी जाती है। भारत के विशाल भूभाग में जहां अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलन में हैं, वहीं उन्हें लिखित रूप में प्रकट करने के लिए लिपियां भी कम नहीं। हर क्षेत्र के व्यक्ति में अपनी भाषा के साथ साथ अपनी लिपि के प्रति भी स्वाभाविक लगाव विद्यमान है, किंतु संविधान में विचार विमर्श के पश्चात हिंदी को राजभाषा की संज्ञा दी गई है तथा इसकी लिपि देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित किया गया है। सभी भाषाओं तथा लिपियों का अपना अपना वैशिष्ट्य तथा महत्व है, किंतु संपूर्ण भारत को एक सूत्रता में बांधने के लिए, एक दूसरे के ज्ञान कोश से लाभान्वित होने के लिए प्रत्येक भाषा भाषी को किसी एक लिपि का समान रूप से ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात लिपि जो भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित कर सके। हमारा यह मानना है कि यदि लिपियों की विविधता न होती तो प्रांतीय भाषाएं एक दूसरे के अधिक निकट होती। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यूरोप के कई देश और कई भाषाएं हैं। यदि उन सबको एकमात्र रोमन लिपि होने से सारे सुशिक्षित लोगों के विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन सहज सुलभ हो सकता है, तो उसी प्रकार यदि भारत में सभी भाषाओं की एक लिपि देवनागरी हो जाए तो भारतीय जनता की एकता और उनका अंतर प्रांतीय आदान प्रदान सुगम हो जाएगा। संपर्क का अर्थ है मेल मिलाप अथवा जोड़ कर आने वाली। एक लिपि होने से किसी भी भाषा का लिखित ज्ञान देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर व्यापक हो जाता है। सन 1905 में लोकमान्य ने कलकत्ता में कहा था, हमें सरकार से यह आग्रह करना होगा कि वह प्रत्येक प्रांत की पाठ्य पुस्तकों में समान लिपि में कुछ पाठ छापना प्रारंभ कर दे, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रारंभ से ही उससे परिचित हो सके। उद्धरण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हमारे देश में एक लिपि की मांग उठाई जाती रही है। इसके समर्थन में महात्मा गांधी, तिलक, विनोबा भावे, जस्टिस शारदा चरण मित्र, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजर्षि पुरुषोदास टंडन, लाला लाजपत राय, न्यायमूर्ति एम सी छागला आदि रहे हैं। इनमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शारदा चरण मित्र को लिपि एकता परिषद का प्रवर्तक माना गया है। उन्होंने एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की। इसकी मासिक पत्रिका थी देवनागर। इसके द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि देवनागरी ही भारत की प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता रखती है। अगस्त 1961 में देश की भावात्मक एकता पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि की सिफारिश की गई थी, जो भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करेगी। यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए कि वह कौन से गुण अथवा विशेषताएं हैं जो किसी लिपि को उस देश विशेष की संपर्क लिपि बनाने के लिए अनिवार्य। देश में बहुसंख्यक लोग जिससे परिचित हों तथा उसका प्रयोग करते हों। अन्य भाषाओं की ध्वनियों के अंकन की क्षमता से युक्त वैज्ञानिक, सरल तथा स्पष्ट हो। अधिकतम लिपियों से अपेक्षाकृत साम्य रखती हो, जिससे उसे सीखने में कठिनाई न। उसमें लोच व ग्राह्यता हो, जिससे युगानुरूप परिवर्तन परिवर्धन हो सके। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सहजता पूर्वक संप्रेषित हो सके। जहाँ तक भारत में एक लिपि का प्रश्न है, मुगल शासन काल में अरबी फारसी और उसकी लिपि तथा अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि को प्रमुखता मिलती रही है। आज भी हिंदुस्तान में गुलाम मानसिकता से ग्रस्त बहुत से अंग्रेजी प्रेमी लोग ऐसे हैं जो भारतीयता, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय भाषा के पक्षधर न होने के कारण अंग्रेजी और रोमन लिपि के पक्षधर हैं। आज भारत का अधिकांश युवा वर्ग हिंदी भाषा को भी रोमन लिपि में लिखने का प्रयास करता है और इस अंग्रेजी प्रेम में वह हिंदी भाषा की शक्ति और देवनागरी लिपि की सामर्थ्य को अनदेखा कर अपनी ही नींव कमजोर करने में लगा है।
कवि दिनकर का कहना है, किसी भी देश का सभ्य नागरिक वह माना जाता है जो अपने देश की भाषा का ज्ञाता हो, पर विडंबना यह है कि भारत का सभ्य नागरिक वह माना जाता है जो अंग्रेजी का अच्छा ज्ञाता हो। डॉक्टर मलिक मोहम्मद ने भी इसी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। महानगरों में एक ऐसा वर्ग भी पनपा है जो विदेशी भाषा और लिपि का दास है। प्रत्येक महानगर में पब्लिक स्कूल नाम से अभिहित संस्थाएं देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का बड़ा अहित कर रही हैं। इन संस्थाओं में देश के बुद्धिमान और धनवान वर्ग के शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि है। खैर, रोमन लिपि में भारत की संपर्क लिपि बनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भी प्रांत पुनर्तः रोमन प्रयोक्ता नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ रोमन प्रायः शहरों में ही हैं। वहाँ भी बहुत कम ही मिलेंगे। भारतीय लिपि में लिखे साहित्य तथा साहित्यकारों की अपेक्षा रोमन लिपि आधारित साहित्य नगण्य ही है। यहाँ रोमन पत्रकारिता भारतीय साहित्य की पत्रकारिता से काफी पीछे है, जन सामान्य की रुचि का पता चलता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न उठना सहज स्वाभाविक है। भारत में जहाँ ढेरों भाषाएं और लिपियां हैं, देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि है, वहाँ विदेशी लिपि की बैसाखी की क्या आवश्यकता। यह तो एक दिवालियापन ही होगा। रोमन लिपि वैज्ञानिक नहीं है। इस लिपि की अवैज्ञानिकता से तंग आकर बर्नार्ड शॉ जैसे विचारक ने अपनी वसीयत में नई लिपि की खोज के लिए काफी राशि रख छोड़ी थी। रोमन लिपि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा वरी लिपि के महान विचारक प्रचारक श्रीमन नारायण का मत है कि इसके द्वारा भारतीय व एशिया की भाषाओं को सीखना बहुत कठिन है। नागरी लिपि की यह खूबी है कि वह जैसी लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। कुछ विशेष चिन्हों को सम्मिलित करके विशेष देशी ध्वनियों का भी समावेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता हासिल करने के लिए देवनागरी को सामान्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है। सब अपनी प्रांतीयता और संकीर्णता छोड़ दें। हमारे देश के लोगों पर जो बोझ है उससे उन्हें मुक्त कर कोशिश करनी चाहिए। तमाम लिपियों को जानने का अनावश्यक बोझ आसानी से हटाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, नागरी ही क्यों? नागरी लिपि का स्रोत है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से विकसित होने के साथ साथ संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं के असंख्य ग्रंथ इसी लिपि में मुद्रित हैं। भारत की अन्य लिपियां गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि भी प्राचीन नागरी से विकसित हुई हैं। इस ऐतिहासिक महत्व के साथ देवनागरी लिपि अन्य भारतीय लिपियों के निकट है। ये लिपियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यदि भारत की समस्त लिपियों के स्थान पर देवनागरी को प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो भाषा भेद तो मिटेगा ही, राष्ट्रीय एकता में भी अभूतपूर्व सहायता मिलेगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित नागरी और अक्षर नामक ग्रंथ में श्री केशव देव मिश्र ने बांग्ला, गुरुमुखी तथा गुजराती लिपियों के अक्षरों की रचना देवनागरी के आधार पर मानी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भी भारत की सभी लिपियों को देवनागरी की स्वगोत्र या कौटुंबिक लिपियां ही मानते। हमारी संस्कृति की मंजूषा संस्कृत भाषा नागरी में ही लिखी जाती है, इसलिए इसे हम भारत की सांस्कृतिक लिपि भी कह सकते हैं। मराठी तो नागरी में ही लिखी जाती है। हाँ, द्राविड़ी भाषाओं की कुछ ध्वनियां और स्वर ऐसे हैं कि चिन्ह नागरी में बनाने पड़ेंगे। विनोबा भावे ने देवनागरी को जोड़ लिपि नाम दिया। उनकी सत्प्रेरणा से 17 अगस्त 1975 को गांधी स्मारक निधि के प्रांगण में नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई। नागरी संघ पत्रिका के प्रकाशन के अवसर पर उनका कहना था कि भिन्न भिन्न प्रदेशों के उत्तम साहित्य का परिचय जितना एक दूसरे को अधिक होगा, उतने लोगों के हृदय एक दूसरे से जुड़ेंगे। इस समय इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे पास कोई कड़ी नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि संपूर्ण देश में एक लिपि चले तो एकता की दिशा में पहला कदम होगा। दक्षिण की चारों भाषाएं एक दूसरे के निकट हैं। इनके लिए यह एक लिपि हो तो आप एक दूसरे को बहुत कुछ समझ सकते हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत आज नागरी में लिखी जाती हैं। भारत की करीब आधी जनता इस लिपि का प्रयोग करती है। दुनिया की जितनी लिपियां मैं जानता हूं, उनमें देवनागरी सबसे सरल है। नागरी लिपि अपनाने से देश की सभी भाषाओं को समझने में आसानी होगी, हमारी सांस्कृतिक एकता मजबूत होगी तथा राजनीतिक दृष्टि से भी देश शक्तिशाली बनेगा। संचार माध्यमों, फिल्मों की लोकप्रियता से देवनागरी के प्रचार प्रसार का अभियान समस्त भारत में प्रसारित हो रहा है। नागरी लिपि के गुणों या विशेषताओं की भारत एवं पाश्चात्य विद्वानों ने समय समय पर सराहना की है। इसके गुण निम्नलिखित हैं: एक, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनको रोमन में लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जैसे पढ़ना और पढ़ बड़ा और बड़ा। इन शब्द युग्मों के अर्थ अलग अलग हैं। रोमन में लिखने में इनका अंतर समाप्त हो जाएगा। दो, देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है जबकि रोमन में ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी में स को स ही बोले, अंग्रेजी में सेंटर सेंटर और सीन सीन। इसी प्रकार क ध्वनि में लिए सी च क्यू के चार ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं। केयर केयर, केमिस्ट केमिस्ट, क्वीन क्वीन, किंग किंग। यू कहीं, उ के लिए तो कहीं, अ के लिए प्रयुक्त होता है पुट बट। तीन, देवनागरी लिपि का वर्गीकरण वैज्ञानिक रीति से हुआ है। स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं। स्वरों में भी मूल स्वर पहले तथा संयुक्त स्वर बाद में आते हैं। चार, इस लिपि में प्रत्येक वर्ण उच्चरित होता है। रोमन में कुछ मूक वर्ण भी होते हैं जिन्हें कैसे उच्चरित करना है यह सीखना पड़ता है। हाफ हाफ, नॉट नॉट। पांच, देवनागरी में स्वरों का संक्षिप्त रूप मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। मात्राओं को वर्ण चिन्ह में चारों ओर जोड़ दे, एक तो स्थान कम घेरती है, दूसरे लिखित रूप धूमिल पर जाने पर भी मात्रा के स्थान मात्र से मूल रूप का अनुमान लगाया जा सकता है। छह, देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्णों की भी संकल्पना है। जिन ध्वनियों की आवृत्ति अधिक होती है उनके लिए प्रथ भी बनाए गए हैं, जैसे क्ष त्र ज्ञ कतादि। रोमन में महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग से लिपि चिन्ह नहीं है। दो या तीन वर्णों को मिलकर इन्हें बनाया जाता है। सात, देवनागरी लिपि ने कुछ ध्वनियां रोजमर्रा के जीवन में प्रायः प्रयोग होने वाले शब्दों में प्रयुक्त अरबी फारसी तथा रोमन से भी अपना ली हैं। अरबी फारसी क ख ग ज फ तथा ज फ और रोमन। आठ, देवनागरी लिपि लिखने में सरल है। रोमन लिपि वाक्य का पहला अक्षर, किसी के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बड़ा लिखा जाता है, उसमें लिखने की वर्णमाला अलग है तथा पढ़ने की अलग। देवनागरी में ऐसा नहीं है। नौ, यांत्रिक सौकर्य की दृष्टि से भी देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। मुद्रण क्षेत्र में कंप्यूटर पद्धति से देवनागरी में कलात्मक एवं बहुकार्य अक्षरों के प्रयोगों की गुंजाइश बढ़ी है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में सत्यकेतु विद्यालंकार का मत है, देवनागरी लिपि बहुत पूर्ण है। उससे न केवल भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के उच्चारण को भी भली भांति प्रकट किया जा सकता है। एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक लिपि देवनागरी के विषय में कहा है कि भारत की प्रत्येक भाषा की सुंदर आनंदमय कृतियों के स्वाद को भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों को कैसे चखवाया जाए, इस बारे में यह उचित होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ की लिपि देवनागरी में छपावने का आयोजन करें। इससे अनुवादकों की शरण में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 15 अगस्त 1967 को एक ऐसा चार्ट प्रकाशित किया गया जिसमें असमिया, उड़िया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, गुरुमुखी, बांग्ला, मलयालम भाषाओं के सभी ध्वनि चिन्हों को नागरी में अंकित किया गया है। विनोद की सदप्रेरणा से स्थापित नागरी लिपि परिषद के लक्ष्य भी किसी से छिपे नहीं है, जो समय समय पर भारतीय भाषाओं की रचनाओं का नागरी लिपि में लिप्यांतरण कर पत्रिका में प्रकाशित करती है। देश की उत्कृष्ट रचनाओं को देवनागरी में प्रकाशित करने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में कोश तथा प्रवेशिका प्रकाशित करती है। नागरी लिपि के प्रचारार्थ विभिन्न कार्यक्रम तथा संगोष्ठियां आयोजित करती है। हिंदी अकादमी दिल्ली भी इस क्षेत्र में कार्यरत है। डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने संपर्क लिपि की आवश्यकता हेतु लिखा है कि आज अलगाववाद और सांप्रदायिकता की भावनाओं के कारण भारत ही नहीं विश्व में विचलन उत्पन्न हो गया है। व्यक्ति शांति के लिए भटक रहा है। विभिन्न भाषा और लिपियों में लिखित साहित्य का संदेश शायद उस मानसिक शांति में सहायक बन सके, परंतु यह तभी संभव है जबकि विभिन्न लिपियों में लिखित साहित्य को एक लिपि अर्थात नागरी लिपि में लिखा जा सके, क्योंकि अधिकांश लोग नागरी से परिचित हैं। दो, अंत में हम यही कह सकते हैं कि आज से तू हिमालय तक यदि भारत को एक सूत्र में बांधे रखना है, पाश्चात्य प्रभाव में बहे जा रहे युवा वर्ग को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़े रखना है, भारतीय जीवन मूल्यों को बनाए रखना है, तो देवनागरी को अपनाना होगा, दूसरों को प्रेरित करना होगा। इसी के माध्यम से भावात्मक एकता, सहिष्णुता, समीप्य तथा सद्भाव की प्राप्ति संभव है। हाँ, देवनागरी केवल संपर्क लिपि बने, प्रादेशिक लिपियों को अपदस्थ नहीं करेगी, किंतु रोमन लिपि की तरफ बढ़ते कदमों को जरूर रोकेगी।